गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का पार्ट वन का चैप्टर फोर ब्रेवरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें देखिए, ब्रेवरी मतलब होता है फिजिकल फीट्स से, इसका मतलब होता है जो हमारे शारीरिक कौशल से रिलेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर है, कोई स्ट्रेंथ जिसमें ज़्यादा है वो ही ब्रेव है, लेकिन जो पतला दुबला होता है वो भी ब्रेवरी वाली बातें कर सकता है। देखो, ये इंटरनल स्ट्रेंथ और मेंटल स्पिरिट से रिलेटेड है। हमारी मेंटल स्पिरिट मतलब हमारी मानसिक शक्ति से भी ये रिलेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई युद्ध में साहस दिखाता है वही ब्रेव है, वही ब्रेव नहीं होता है। जो एक किसी को बचाने के लिए स्ट्रगल करता है वह साहसी होता है। देखिए, इसमें इंस्पायरिंग इंसिडेंट भी दिए गए हैं। शिवाजी बहुत ही बड़े मराठा सम्राट हुए हैं शिवाजी। इसमें देखिए, ये क्या करते थे, स्टेट में सिक्योरिटी देखने के लिए जाते थे, अपने राज्य में सिक्योरिटी देखने के लिए जाते थे नाइट में वेश बदल के। तो क्या हुआ, एक लड़का उन्हें मिलता है, वो एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे शिवाजी। तो पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम बॉर्डर क्रॉस क्यों कर रहे हो, सिक्योरिटी देखने गए थे शिवाजी तो वेश बदल कर। एक छोटा बच्चा उनसे बोलता है आके, इतना बड़ा नहीं था वो, एक बॉय होता है छोटा, वो तलवार लेकर आ जाता है, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, वो पूछता है। तो शिवाजी रिप्लाई करते हैं कि ठीक है, लड़ाई करते हैं, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही वो तलवार नीचे गिर जाती है उस बच्चे की, तो पीछे से शिवाजी गुम हो जाते हैं। फिर शिवाजी उसको दरबार में बुलाते हैं, वो उनसे नाम भी पूछते हैं, उसका नाम होता है सवालिया। अब उसको आर्मी में ज्वाइन करवा देते हैं, क्योंकि वो उसने बॉय ने बहुत ब्रेवरी दिखाई थी ना, शिवाजी से लड़ने के लिए भी रेडी हो गया था, इसलिए उसको अपनी आर्मी में जगह दे देते हैं। अब एक दूसरा इंसिडेंट है, इसमें वो बॉय आखिरी में फाइट करते हुए इंडिपेंडेंस के लिए बैटल में डाइड हो जाता है। अब इसमें दूसरा इंसिडेंट है कि विंटर में भी हमारे सोल्जर्स लड़ाई करने के लिए जाते हैं ना। एक मेजर शैतान सिंह का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो चाइना से लड़ने के लिए जो सैनिक थे वहाँ पर गए थे। चाइना से लड़ने के लिए उनके पास बहुत ही कम सैनिक थे, उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया अपने सैनिकों को, और उनको एनकरेज किया लड़ने के लिए। लास्ट तक वो लड़ते रहे, जब तक मर नहीं गए तब तक वो लड़ते गए, और हॉस्पिटल में जाने के लिए भी वो एग्री नहीं थे। एनिमी के सामने लड़ते लड़ते मर जाना उन्हें मंजूर था। ये मेजर शैतान सिंह का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनको मरने के बाद परमवीर चक्र मिला था, अवार्ड मिला था इन्हें परमवीर चक्र का। अब इसमें देखिए, तीसरा इंसिडेंट ये है कि एक सी में एक जहाज़ डूबने वाला था, वहाँ पर एक बोट की बहुत ज़रूरत थी जहाँ से उन पैसेंजर्स को लाया जा सके। पर वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बाकी एक लड़का ही खड़ा था किनारे पे, और जो पैसेंजर्स को देख रहा था उनकी कंडीशन को, वो अपनी माँ से पूछता है। अब उसकी मम्मी क्या क्या बोले, वो उसके बेटे को खतरे पे तो नहीं डाल सकती है, क्योंकि उसके पिताजी भी कुछ टाइम पहले ही गए थे बोट पे, और वो लौट कर भी नहीं आए थे। उसके पिताजी 6 मंथ हो गए थे लेकिन उसके पिताजी लौट कर नहीं आए थे, तो उसकी माता उस अपने बेटे को कैसे खो दे। लेकिन वो कुछ देर सोचती है और आखिरी में बोलती है कि अगर वो बोट डूब जाएगी तो उनके रिलेटिव्स उनके लिए बहुत रोएंगे, मैं तो कैसे भी मैनेज कर लूँगी अगर मेरा बेटा मर जाता है। तो ये सोचकर वो अपने बेटे को बोलती है, जाओ उन लोगों को बचाओ, तुम्हें गॉड लंबी उम्र दे। तो उसका बेटा सारे पैसेंजर्स को लेकर आ जाता है, लेकिन उसे क्या सरप्राइज़ मिलता है, उसे ये सरप्राइज़ मिलता है कि उसके पिताजी भी उसी बोट उसी शिप में थे जिस बोट से वो उनको लेकर आया था ना पैसेंजर्स को, बड़ी शिप में से बोट्स के थ्रू, छोटे बोट के थ्रू वो पैसेंजर्स को लेकर आया था, क्योंकि समुद्र में तूफान आया हुआ था, है ना, तूफान में फंस गई थी शिप, समुद्र में वायलेंट स्ट्रॉम आया हुआ था। तो क्या होता है, जिससे उसको ये सरप्राइज़ मिलता है कि उसके पिताजी भी बच गए थे। अब दोनों बाप बेटे दोनों साथ में घर आते हैं, मदर उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा ही मिलता है। ओके, थैंक यू।